रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बसु केदार तहसील पहुंचकर आम जन की समस्याओं का समाधान किया। तहसील भवन निर्माण के लिए विगत 10 वर्षों से चिन्हित की गई भूमि के लिए क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की आपसी सहमति न बनने और समस्या का समाधान हेतु स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि तहसील बसु केदार कार्यालय के निर्माण हेतु दो स्थानों जिसमें तिलोधार और डाल सिंघी घसरोड़ा तोक में भूमि चयन की गई है, किंतु क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की आपसी सहमति न बनने के कारण तहसील कार्यालय बनाए जाने के लिए भूमि का चयन नहीं किया जा सका है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने बसु केदार तहसील कार्यालय हेतु दोनों स्थानों पर चिन्हित की गई भूमि का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। तहसील के निर्माण को लेकर काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक सहमति नहीं बन पा रही, इसमें विभिन्न स्थानों पर हम जगह देख रहे थे और इसमें आज सभी पक्षों के साथ बैठ के वार्ता की गई, जिसमें हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी थे और एक कुल मिला के ये सहमति भी बनी है कि जहाँ पर अभी तहसील चल रही है इसी में अगर पुनर्निर्माण किया जाए और इसी को एक यहीं पर, क्योंकि जगह भी अवेलेबल है और रोड से भी कनेक्टेड है, तो उसमें भी सभी लोगों ने सहमति व्यक्त करी, जिस पर अब आगे हम शासन से पत्राचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर लें।